जीएस भाई सदैव सहज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो कर दें, ताकि आपकी बड़ी सफलता में मेरी अंशतः भी सहभागिता हो सके। तो आज छोटा सा प्रश्न है, लेकिन बड़ा ही कीमती प्रश्न का उत्तर लेकर मैं आया हूं, और वह है लीव और होलीडे में क्या अंतर है। लीव का भी अर्थ छुट्टी होता है और होलीडे का भी अर्थ छुट्टी होता है, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। क्या है अंतर? काफी अंतर है। तो लीव का अर्थ होता है छुट्टी, तो लीव का अर्थ होता है छुट्टी, तो ऐसी छुट्टी को हम लीव कहते हैं जिसमें आवेदन देना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है? आवेदन देना पड़ता है। आवेदन देने के बाद अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो वैसी छुट्टी को हम लोग लीव बोलते हैं। आवेदन देने के बाद जो छुट्टी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीव बोलते हैं। और जो छुट्टी सरकार के द्वारा घोषित होती है, जो छुट्टी सरकार के द्वारा घोषित होती है, वो ऐसी छुट्टी को हम क्या कहते हैं? होलीडे कहते हैं। क्या कहते हैं? होलीडे कहते हैं। यही लीव में अंतर हुआ। इसी को मैंने, उस छुट्टी को मैंने एक कविता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि लीव का अर्थ होता है छुट्टी जिसमें व्यक्तिगत अर्जी होती है, अर्थात आवेदन देना पड़ता है। लेकिन होली डे का अर्थ भी छुट्टी होता, मगर इसमें सरकार की मर्जी होती है, अर्थात होली डे की जो छुट्टी होती है वह सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और लीव जो है उसमें आवेदन के बाद छुट्टी मिलती है। इसी को मैंने लिपिबद्ध कर दिया है, इसको याद कर लेने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।